डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबल डिवेल्पमेंट एज ए टॉपिक इन द अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन प्रोग्राम अब हम थोड़ा सा इसी के हवाले से बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डिवेलमेंट को इसी में क्यों शामिल किया गया अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन के अंदर जो कि हमारी एजुकेशन ग्रेड वन से पहले की है वो चाहे उसको किन्नर गार्डन कह दें माउंटिस कह दें उसमें इसको टॉपिक को शामिल करने की रीजन क्या आती ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे पास जो लर्निंग है ये कॉमन फील्ड तो नहीं है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का हम यूं कह सकते हैं और उसकी पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं वो बच्चों की इब्तदाई स्टेज पे यानी वो टीचर जो इन बच्चों को पढ़ा रहा है अर्ली चाइल्ड एजुकेटर अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डूम एंड गलूम यही कह सकते हैं कि इट इज डूम एंड ग्लूम डिप्रेसिंग एंड फेयरफुल एंड देयरफॉर इनप्रोप्रिएट फॉर द यंग चिल्ड्रन अगरचे ये एक आइडिया तो है कि ये किसी हद तक तो इसी के बच्चे जो हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के जो बच्चे हैं और अर्ली चाइल्ड हुड के जो एजुकेटर्स हैं उनको ये बात बावर कराना उनको एस के बारे में बताना अगरचे इतना फ़ायदेमंद नज़र नहीं आता बनस्बत उन एजुकेटर्स के जो एजुकेटर्स एलिमेंट्री सेकेंडरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं एजुकेटर्स हैं उसकी वजह यह है आम तौर पर जो बिहेवियर डेवलपमेंट प्रोसेस है क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक है बिहेवियर के साथ अच्छा ये जो एक्शन है इसका डायरेक्ट ताल्लुक है सोच के साथ किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि वो जो बच्चा इसी का बच्चा है जो पाँच साल के पहले की जाए फोर इयर्स का जो बच्चा है हमारे पास उसकी सोच को अगर हम लेके चलें, कि इसके अंदर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस की बात करें उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स तो ऐसे हैं जिनकी सोच वहां से उसको बतौर सीड के रखा जा सकता है जिसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और वो है सेव द वाटर अच्छा इसको तो अगर हम लें कि ये भी एस टी जीज का एक लाजिम बात है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक हिस्सा है एक पार्ट है अगर हम इसी के बच्चे को पानी की अहमियत समझाने की कोशिश करें और उसको रोकें और उसको कंपेल करें कि यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट द वाटर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल पे उसके दिमाग में या उसके जहन में वो एक बीज तो रखा जाएगा जिसके बारे में हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले आठ दस सालों में वो परवान चढ़ेगा बीज और जब उसकी आउटपुट आएगी तो उसके लास्ट उ में ये जहन में बैठा होगा कि पानी को सेव करना और वेस्ट नहीं करेगा अच्छा इस सवाले से तो हम कह सकते हैं कि जी जो है ना ये पॉजिटिव भी है कंस्ट्रक्टिव भी है और पॉसिबल है लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें जहां पे वैक्सीनेशन की बात होती है वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस की बात होती है वैसे इसको भी शामिल किया जा सकता है कि बच्चों को वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है यह भी उसके अंदर शामिल किया जा सकता लेकिन जहां पे अदर एस की बात दस बारह एस जो अदर हमारे पास है उनका डायरेक्ट ई के टीचर के साथ या एजुकेटर के साथ कोई इतना स्ट्रांग रिलेशन डेवलप नहीं होता नजर आता लेकिन अवेयरनेस के हवाले से कि इसी के टीचर को पता होना चाहिए उस हवाले से तो हम बात कर सकते हैं कि उसको पता होना चाहिए तो ये ठीक है सेकंड नंबर पे चंद एक बातें जिनमें से पानी बचाने की बात है वैक्सीनेशन की बात है कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन अच्छी बात है चंद एक फैक्टर्स जो हैं एस में से उनको तो हम कह सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं बच्चे के अंदर उनका बीज सीड उसके दिमाग में उसके लाशोर में एक बीज बोया भी जा सकता है और उम्मीद भी की जा सकती है कि आने वाले वक्तों में वो प्रवान चढ़ेगा और वो पैराडाइम वो आस्पेक्ट जो है वो उसके जहन में कंक्रीट बन जाएगा लेकिन ओवरऑल जो है इसके बारे में अगर सोचा जाए तो ये इसी के कंसेप्ट में इतना ज़्यादा फिट इन नहीं है मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये गलत है मैं ये कह सकता हूँ कि एजुकेटर के लिहाज से इतना ज़्यादा फिट इन नहीं है या इसके आउटपुट रिजल्ट्स इतने बेहतर नहीं हो सकते जितने बेहतर अगले स्टेज पर आ सकते